नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 8 पीजन जमींदार्स एंड द स्टेट, ये पार्ट 3 है इस चैप्टर का। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हम ये सारी स्लाइड्स को देख चुके हैं, इनको समझ चुके हैं। अब आता है पार्ट 3, जिसमें हम पहुंचते हैं रोल प्ले बाय विमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी अंडर मुगल रूल। तो ये 16वीं और 17वीं जो शताब्दी थी, इसमें एग्रेरियन सोसाइटी यानी कि किसानों या फिर जो आर्टिसंस वगैरह हैं, मिडिल क्लास की जो है, औरतें क्या क्या करती थी। ठीक है, तो इसमें हाई क्लास सोसाइटी के लोगों की, औरतों की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ मिडिल क्लास या एग्रेरियन सोसाइटी की जो गांव की औरतें हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, वुमेन वर्क शोल्डर टू शोल्डर विद मैन इन फील्ड्स। खेतों में आदमियों के साथ औरतें भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। मेंटल एंड प्लफ्ट, मतलब औरत और आदमी, जो आदमी का शरीर थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता है तो वो वैसे काम करेगा, औरत का शरीर थोड़ा कम होता है उस चीज में ताकतवर, तो वो थोड़े से हल्के काम करती थी। जैसे कि आदमी ने खेत जोते, औरतों ने बीज बोए, कटाई वटाई में काम करवाया, हेल्प करवाई। विद द ग्रोथ ऑफ न्यूक्लिएटेड विलेजेस एंड एक्सपेंशन एंड इंडिविजुएटेड पीस इन फार्मिंग, द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन वाज लेबर एंड रिसोर्सेज ऑफ एंटायर हाउसहोल्ड। जैसे कि ग्रोथ हुई ऐसे विलेज की, ऐसे फार्मिंग की, जहाँ पर इंडिविजुअल ऑनरशिप पर ही बेस सी एग्रीकल्चर, तो लोग, अकेला कोई आदमी जो घर का मुखिया होता है वो तो सारे काम कर नहीं सकता है कि खेत भी जोत दिया, कटाई बुनाई सब कर दिया। तो पूरा का पूरा जो हाउस होल्ड है, पूरे के पूरे घर के सभी लोग हैं जिसमें औरतें भी शामिल होती हैं, मिलकर घर के लिए जो भी प्रोडक्शन होना है उसमें साथ काम करते थे। फिर चाहे वो खेती का हो या फिर वो आर्टिसन का हो या फिर क्राफ्ट प्रोडक्शन का या किसी भी चीज़ का काम हो। ठीक है, तो बायसेस रिलेटेड टू वुमेन्स बायोलॉजिकल फंक्शंस डिड कंटिन्यू। कुछ बायसेस थे जो वुमेन के बायोलॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन फॉर इंस्टेंस वर नॉट अलाउड टू टच द प्लफ और द पॉटर्स व्हील इन वेस्टर्न इंडिया और एंटर द ग्रोव्स वेयर बिटर लीव्स वर ग्रोन। वैसे बोला जाता है कि भाई ये भेदभाव होता है औरतों के साथ, कि जब वो अपने मासिक धर्म में होती है, मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल उनकी चल रही होती है, तब उनको घर के एक कोने में पटक दिया जाता है, उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता है। तब हमारे दिमाग में ये आता है कि कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी चीज़ होती है, हम किसी भी सोसाइटी में देखते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है उनके साथ, ऐसा बायसेस हो रहा है, देखो उसका कुछ ना कुछ रीज़न रहा होता है। ठीक है, ज़्यादातर केस में ये भी हो सकता है, संभव ये भी है कि भाई उनके साथ बायसेस हो रहे हो, ये भी है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है नहीं हो रहे हो सकता है उसके पीछे कोई कारण ही हो। और इस चीज़ के पीछे कारण ये रहा था कि जो औरत, जब ये खाली लड़कियां या औरतें ही समझ सकती हैं इस चीज़ को, कि जब अपने मासिक धर्म में होती है तो उनका शरीर बहुत नाजुक होता है और कई कई का इतना ज़्यादा होता है शरीर में पेन, की उस पेन की वजह से उन्हें बुखार भी आता है और उन्हें दवाइयाँ, पेन किलर या पैरासिटामोल लेनी पड़ती है। तो ऐसे में औरतों को जैसे कि दो समय पर उन्हें रेस्ट दिया जाता है, ऐसे उनकी लाइफ में दो ऐसे समय आता है, एक तो जब वो अपने मासिक धर्म में होती है और एक जब वो जच्चा होती है, यानी कि अपने जब बच्चे को जन्म देती है तब भी उसका शरीर वैसा ही होता है, बहुत नाजुक हो रहा होता है, फिर से अब उसका शरीर फिर से ग्रो करना लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, तो इसलिए उसको एक महीने का रेस्ट तब भी दिया जाता है। तो ये कोई बायसेस नहीं है, ये चीज़ धर्म से रिलेट कर दी जाती है कि भाई जब आप अपने मासिक धर्म में हैं तो आप काम ना करें कोई भी चीज़। अब वो पॉटर की व्हील को छू लेगी तो वो खराब नहीं हो जाएगा, बस ये है कि आदमी इसलिए धर्म से इन चीज़ों को जोड़ दिया गया कि बाद में कोई भी उनसे काम ना करवाए, क्योंकि धर्म पे नाम, धर्म के नाम पे नाम लोग हैं ना, वो फिर भी झुक जाते हैं कि भाई ये तो अधर्म हो जाएगा, लेकिन अगर कोई बोलेगा कि भाई बेचारी को रेस्ट करने दो, कोई नहीं मानेगा। मतलब जैसे होता है कि भाई सास बहू है या हस्बैंड है या फिर वो लोग हैं, बोलेंगे या फिर घर के हैं, भाई काम है सबको करो, क्या होता है,
तो जैसे आज मैं चाहती हूँ, क्योंकि काश वो चीज़ें आज भी होती, सेम ऐसा मेरे साथ होता है। बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन, पेन किलर लेनी पड़ती है। तो ऐसा होता है कि काश जॉब में भी ऐसा अलाउड होता है कि भाई जब औरतों को मासिक धर्म की होता है तब वो 4 दिन तक अपना, 4 ना सही तो कम से कम 2 दिन तो रेस्ट कर सके। काश ये अब भी लोग मानते इस चीज़ को। अपने को बहुत आराम हो जाता है। आर्टिसनल टास्क सच एज स्पेनिंग यार्न, शिफ्टिंग सिफ्टिंग एंड नीडिंग क्ले फॉर पॉटरी, कुछ ऐसे आर्टिसनल टास्क जो हल्के होते हैं और जिनमें कला वगैरह की जरूरत होती है, एम्ब्रॉयडरी है, वो फीमेल डिपेंडेंट होते थे। तो ऐसा नहीं था कि आदमी नहीं कर सकते, लेकिन जब बात आती है कि अगर काम का डिविजन करना है तो भारी काम आदमी के हिस्से में दे दिए गए कि भाई तुम्हारा शरीर मजबूत है तो तुम ये वाला काम करो। ये है, तो इसमें भी कोई बायसेस नहीं है, यहाँ पर भी अपना वो लेकर आ जाओ तुम। इनफेक्ट पीजेंट एंड आर्टिसन वुमेन वर्क नॉट ओनली इन द फील्ड्स बट इवन वेंट टू द हाउसेज ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स और टू द मार्केट्स इफ नेसेसरी। पीजेंट्स और आर्टिसन वुमेन थी, कभी कभी उनको ये भी होता था कि भाई आदमी और औरत जबकि दोनों को अगर घर चलाना है, मिडिल क्लास है, इनको कमाई करनी है, तो उनको ऐसे भी काम होते थे कि भाई किसी एम्प्लॉयर है जो आर्टिसन है, उन्होंने माल मंगवाया तो उनके मार्केट या फिर उनके घर में जाकर भी इनको डिलीवरी करनी पड़ती थी या मार्केट में जाके काम करना होता था। वुमेन वर कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन एग्रेरियन सोसाइटी ऑल्सो बिकॉज दे वर चाइल्ड बियरर्स इन सोसाइटी विच डिपेंडेंट ऑन लेबर, इसलिए उनको इम्पॉर्टेंट माना जाता था कि उनके वंश को तो बढ़ाने वाली औरतें ही हैं। एट द सेम टाइम हाई मोरलिटी रेट्स, कुछ भी मतलब औरतों के साथ अगर मल न्यूट्रिशन हो जाता है, फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसीज, चाइल्ड जब बच्चा होता है तब भी बहुत पेन होता है, तो कई बार उसकी वजह से उनको मृत्यु हो जाती थी, तो इसलिए वाइफ की शॉर्टेज भी हो जाती थी, जिस वजह से काफी सारे नए सोशल कस्टम्स पेशेंट्स और आर्टिस्ट कम्युनिटीज में इमर्ज होने लगे। जैसे कि भाई उनको अगर औरतों की या वाइफ की जरूरत है तो वो उसके लिए पेमेंट करेंगे, मतलब डाउरी की बजाय ब्राइड के लिए पेमेंट करेंगे कि भाई इसकी शादी हमारे कुल में ही करवा दी जाए। ऐसा तो रिमेल जो ज्यादा देगा उसको वाइफ मिल जाएगी। रीमैरिज वाज कंसिडर्ड लेजिटिमेट और रीमैरिज भी अलाउड था इनमें, कि जो अगर डाइवोर्स है या फिर विडो है तो वो भी उनको है कि उसकी फिर से शादी करवा दी जाए, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वुमेन है। द इम्पोर्टेंस अटैच टू वुमेन आर प्रोडक्टिव फोर्स ऑल्सो मीन दैट फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर देम वाज ग्रेट। जैसे कि था कि भाई अगर औरत के ऊपर कंट्रोल खो दिया तो भाई सारा का सारा घर तहस नहस हो जाएगा, तो ये सोच इसलिए भी काम इस पे काम करती है कि भाई अगर औरत है वो ही घर को बांध के रखती है, वो अगर लड़ाई वगैरह ऐसी चीज़ों पर आ गई तो कई बार होता है कि औरतें ईर्ष्या के कारण, आपस में ईर्ष्या के कारण ही घर को तोड़ लेती हैं, तो ये बेसिक स्वभाव है। तो इसलिए आदमी को दिमाग में रहता है कि उस पर अपना कंट्रोल बना रहे ताकि वो घर को परिवार को तोड़े ना। तो वेमेन वर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड ड्रैकोनियन पनिशमेंट वर गिवन टू सस्पेक्टेड इनफिडेलिटी ऑन द पार्ट ऑफ वेमेन। वुमेन सेंट पिटिशंस, ऐसा भी होता था कई बार आदमी भी गलत करते थे तो वुमेन फिर पंचायत में जाकर अपना जस्टिस मांगती थी कि भाई हमारा जो आदमी है घर के और गृहस्थी की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा है, हमारे बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो भी जाती थी और उन्हें इसलिए न्याय मिलता था। इसके लिए अमंगस्ट द लैंडेड पेजेंट्री वुमेन हैड द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। काफी सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर औरतों के हाथ में प्रॉपर्टी होती थी। इंस्टेंसेस फ्रॉम पंजाब, जैसे कि पंजाब में है कि भाई रूरल मार्केट है, वो प्रॉपर्टी जो है वो औरत के हक में थी और उसको वो बाद में बेच भी सकती थी। और कुछ ऐसे जमींदार थे जो औरतें जो जमींदार थी तो उनकी जो आदमी जो जमींदार थे तो उनकी औरतें भी ऐसे ही होती थी। हिंदू और मुस्लिम में जमींदारी राइट्स औरतों के पास भी थे जिनको बेच भी सकती थी अगर चाहे तो। तो अब आता है औरतों से हट के, अब हम फॉरेस्ट में पहुंचते हैं, जंगल में। लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन मुगल पीरियड, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी सोर्सेज, एन एवरेज ऑफ 40% ऑफ लैंड वाज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। इंडिया की जो लैंड है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जिसमें से कि 40% लैंड फॉरेस्ट से कवर्ड थी, ऐसा थोड़ा एस्टिमेट लगाया है, एग्जैक्ट नहीं है। स्क्रब लैंड उसे खरबंदी बोलते हैं जो, और बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है उसे जंगल बोला जाता है। और जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उन्हें जंगली कहा जाता था उस समय की कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट में, जिसका मतलब ये नहीं है कि वो अनसिविलाइज्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जंगली का मतलब बस जो सिर्फ जंगल में रहते हैं और वहाँ की से अपना जीवन यापन करते हैं। उस लाइवलीहुड केम फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस,
हंटिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जंगली का मतलब अनसिविलाइज नहीं है, वो भी सिविलाइज है। द एक्टिविटीज ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लार्जली स्पेसिफिक, सीजन स्पेसिफिक इन नेचर। और जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनकी एक्टिविटीज सीजन पर डिपेंड करती थी। जैसे कि भील, जो आज भी एक बहुत ही मुख्य जाति है, प्रजाति है, तो वो भी एग्जाम्पल ले, तो क्या करते थे कि स्प्रिंग सीजन में तो जो फॉरेस्ट से जितना प्रोड्यूस मिलता है, ऐसी बहुत सारी चीजें आगे हम देखेंगे, फॉरेस्ट से क्या क्या कलेक्ट होता है, तो वो कलेक्ट करते थे, तो और उन्हें बेचते थे, उससे उनको मनी मिलता था, कैश मिलता था। समर का सीजन आता है तो फिशिंग फिशिंग पे ज्यादा ध्यान देते थे। मॉनसून जब आता था तो अपनी क्रॉप्स भी उगाते थे। और जब ऑटम और विंटर आता है, जब ये चीजें नहीं मिलती हैं, तो हंटिंग मतलब शिकार पर ध्यान देते थे। दिस सिक्वेंशियल प्रोसीजर परपेचुएटेड मोबिलिटी विच बिकेम अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ फॉरेस्ट ट्राइब्स। अब एक ही जगह पर उन्हें फॉरेस्ट मतलब एक ही जगह पर ये सारी चीजें तो नहीं होंगी कि वहीं पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी मिल गया, वहाँ पे फिश भी मिल गई, वहाँ पे क्रॉप भी मिल गए, वहाँ पे एनिमल भी मिल गए। ये अलग अलग जगह पर हो सकते हैं, तो इसलिए सीजन के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग उन्होंने मूवमेंट भी होती थी उनकी, तो इसलिए ये उनका एक फीचर था कि वो एक जगह पर नहीं टिकते थे। बाबर रिमार्क ऑन द फॉरेस्ट ड्वेलर। बाबर क्या बोलते हैं कि ये जंगल जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, और लोग जब टैक्स नहीं देना चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा जब टैक्स बढ़ा देते हैं, तो हमारे टैक्स से बचने के लिए जंगलों के पीछे जाके छुप जाते हैं, और हम वहां पर कहाँ कहाँ इनको ढूंढते फिरेंगे, वहां पे जाके चले जाते हैं। सबवर्सेस प्लेस, जहाँ पर, और जो लोग हैं जो विद्रोह करते थे, मतलब सिर्फ जंगली ही नहीं, जो बाकी लोग हैं वो अगर विद्रोह चाहते थे हमारे खिलाफ, हमारी सल्तनत के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे, तो उनके लिए भी एक जंगल बहुत अच्छा जरिया था कि वो लड़ाई करते और जाके फिर जंगल में छुप जाते थे। रिफ्यूजीज के लिए भी अच्छी जगह थी। जंगल प्रोवाइड्स अ गुड डिफेंस। पीपल ऑफ परगना बिकेम स्टबॉर्नली रिबेलियस एंड पे नो टैक्सेस। इंट्रूजन इंटू, अब भाई कुछ तो कारण हो गया ना, वो तुमको टैक्स नहीं दे रहे हैं, तुम्हें भी कुछ खोट होगी है। इंट्रूजन इंटू द फॉरेस्ट। द मुगल स्टेट रिक्वायर्ड एल्फिंस फॉर द आर्मी। मुगल स्टेट को आर्मी के लिए एल्फिन्स चाहिए थे, जो कि जंगल से मिलते थे। सो द पेशकश लेवेड फ्रॉम फॉरेस्ट पीपल ऑफन इंक्लूडेड अ सप्लाई ऑफ एल्फिन्स। तो फॉरेस्ट के लोग जो उनको पेशकश देते थे, पेशकश यानी कि फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट कलेक्टेड बाय मुगल स्टेट, मतलब एज अ गिफ्ट या फिर उनकी जो सम्मान में दिया जाता है राजा को, उसे ट्रिब्यूट जो बोलते हैं, उसे पेशकश बोलते हैं। तो उस पेशकश के रूप में एलिफेंट्स दिए जाते थे, लेते थे फॉरेस्ट ज्वेलर्स से मुगल। इन द मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, द हंट सिंबलाइज द ओवरवीइंग कंसर्न ऑफ द स्टेट टू इंश्योर जस्टिस टू ऑल इट्स सब्जेक्ट्स रिच एंड पुअर। अब मुगल पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग जो शिकार है, वो जो जंगल में शिकार करने जाते हैं, इसलिए जाते थे कि अपने लोगों से जो मिल सके, जंगली लोगों से उनसे मिल सके, और उनकी अच्छा बुरा पूछ सके, भाई क्या चीज़ की जरूरत है, उनकी मदद कर सके। मुझे ये चीज थोड़ी नॉनसेंस लगी, भाई अगर तुमको जाकर अपने सब्जेक्ट से जाके पूछना है कि भाई तुम्हें क्या चीज की जरूरत है, तो उसके लिए तुमको शिकार करने की क्या जरूरत है। मतलब जानवरों को मारने के बाद थोड़ी ना आप सब्जेक्ट से जाके पूछोगे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्या हेल्प चाहता है ना। रूलर्स वेंट फॉर रेगुलर हंटिंग एक्सपीडिशंस। रेगुलर जाते रहते थे शिकार पे, जो कि उनको फिर इससे अच्छा बहाना मिलता था कि वो अपने लोगों से जाके मिल सके। एनेबल द एम्परर टू ट्रेवल अक्रॉस एक्सटेंसिव टेरिटरीज ऑफ हिज एम्पायर एंड पर्सनली अटेंड टू द ग्रीवेंसेस ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स। और उनकी प्रॉब्लम्स को जाकर पर्सनली जाकर सुन सके, भाई वो तुम सुनना है तो वैसे भी जा सकते हो। परगना वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन ऑफ अ मुगल प्रोविंस। परगना डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं मुगल प्रोविंस में, मतलब प्रोविंस का और एक नीचे का पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। पेंटिंग ऑफ शाहजहाँ, जैसे कि ये पेंटिंग है शाहजहाँ की बादशाह नामा से, ये नील गाय का शिकार कर रहे हैं। अब ये नील गाय का शिकार करने गए हैं कि लोगों की ग्रीवेंसेस सुनने गए हैं, मुझे ये चीज थोड़ी इलॉजिकल लगती है। अ पीसेंट एंड अ हंटर लिसनिंग टू अ सूफी सिंगर। ये एक पीजन है, ये एक शिकारी है, और ये एक सूफी संत को सुन रहा है, कुछ गा रहा हूँ। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। द स्प्रेड ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर वॉज एन इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर दैट हैम्पिंग ऑन द लाइव्स ऑफ दोज हु लिव इन द फॉरेस्ट। अब जंगल के लोग, जैसे कि हमने एक सीजन में देखा था, कौन सा वाला सीजन था भाई, है हम तो भूल गए,
कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन स्प्रिंग सीजन। ओके, स्प्रिंग सीजन में फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को कलेक्ट करते थे, और ये जो कलेक्शन था फॉरेस्ट प्रोडक्ट का, जैसे कि हनी है, बी वैक्स है, गम लिक है, एलिफेंट्स है, ये काफ़ी डिमांड में थे, और इसके थ्रू वो ट्रेड करते थे, कमर्शियल एग्रीकल्चर के रूप में यूज़ करते थे फॉरेस्ट डवेलर्स के, इसके बदले में उनको पैसा मिलेगा या फिर कुछ मिलेगा। सम सच इज गम लिक, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में थी, ओवरसीज एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट होती थी ये चीज़ें 17th सेंचुरी में। द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज टू प्लेस वाया द बार्टर सिस्टम एज वेल, और बार्टर सिस्टम के लिए भी होती थी कि भाई उनके बदले उनको जो अपने जैसे बर्तन है या फिर लोहा है या फिर ऐसा कुछ चीज़ें हैं उसके बदले वो लेते थे, तो वो लोकल लोगों से ट्रेड करते थे, और फिर वो जो लोकल जो गाँव के शहर के लोग हैं वो उसको ओवरसीज, मतलब ये जो जंगली है ये बाहर नहीं जाते थे एक्सपोर्ट करने, जैसे कि पंजाब की है लोहानी है, ओवरलैंड ट्रेड अफगानिस्तान के साथ भी करते थे और पंजाब रीजन में भी करते थे, तो वहाँ के लोकल जाएंगे जंगली ट्राइब से लेके बार्टर सिस्टम या मनी के थ्रू उनसे एक्सचेंज करेंगे, और उसके बाद उसको ओवरसीज भी भेजेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, सोशल चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब चेंजेस और लाइफ, सोशल लाइफ कैसी थी इनकी, ट्राइब्स ऑल्सो हैड देयर चीफ। अब ये जो ट्राइब होती थी ना, ये भी एक जाति है, ट्राइब है फॉरेस्ट की, इनके अपने भी चीफ होते थे जो कभी कभी जमींदार का भी काम करते थे, मतलब कुछ उसमें से जमींदार भी होते थे, कुछ राजा भी होते थे, तो मतलब सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें नहीं थी, तो बहुत बड़े सिविलाइजेशन के तरीके से, बहुत बड़े ग्रुप के तरीके से भी होते थे ट्राइबल किंग्स, जैसे कि तो ट्राइबल किंग रिक्रूटेड पीपल, अपनी आर्मी भी बनाते थे ये, जैसे कि सिंध की ही एक ट्राइब है जिसके पास 6,000 कैवलरी और 7,000 इन्फेंट्री है, मतलब घुड़सवार और पैदल सैनिक है इतने सारे। सेम ऐसा असम में, नॉर्थ ईस्ट में अहोम किंग्स है, हैड देयर पैक्स, पैक्स मतलब जो उनके नोबल होते हैं, मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, उनको पैक बोलते हैं, और ब्लेस्ड टू रेंडर मिलिट्री सर्विस इन एक्सचेंज फॉर लैंड, लैंड के बदले उनको मिलिट्री सर्विस देते हैं। ठीक है, तो असम के जो किंग है उनके पैक्स होते हैं। द कैप्चर ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स वॉज मेड मोनोपोली ऑफ अहोम किंग, और जो नॉर्थ ईस्ट में एलिफेंट्स को कैप्चर करना, ये सिर्फ अहोम किंग्स ने मोनोपोली बना लिया था, सिर्फ स्टेट के लोग ही एलिफेंट्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें युद्ध के लिए एलिफेंट्स की जरूरत पड़ती थी। और एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है नॉर्थ ईस्ट और असम और अहोम किंग के बारे में, कि जो मुस्लिम साम्राज्य था ऑलमोस्ट 12वीं सदी से शुरू हुआ था, 12वीं 13वीं सदी से, पहले तो मुगल सल्तनत थी, फिर उसके बाद 16वीं सदी में मुगल एम्पायर भी आया, इतने सालों में कभी भी कोई भी इस्लामिक राजा या फिर कोई भी मुगल राजा कभी भी नॉर्थ ईस्ट पर काबू नहीं कर पाया। इन्होंने हजारों कोशिशें की, मतलब इतने सालों तक उन्होंने कई बार कोशिशें की, लेकिन कभी भी असम या नॉर्थ ईस्ट पर काबू नहीं कर पाए। और ये हमें कभी भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो ये ऐसा जगह थी जहाँ पर कभी भी इतने सालों में कोई भी राजा काबू नहीं कर पाया था वहाँ पर। क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल सेटलमेंट, ये एक 16th सेंचुरी की बंगाली पोएम है, चंडी मंगल, जो कि पुकद्दरम चक्रवर्ती ने लिखी है, और इसमें कालकेतु जो पोएम के हीरो हैं उनका नाम है कालकेतु, ने उन्हें क्या बोला है, खबर मिलते ही पीछे मेरी बेटी बोल रही है, उसकी आवाज आ रही होगी, तो इसमें लिखा है, खबर मिलते ही परदेसी आने लगे तमाम जगहों से, फिर कालकेतु ने खरीद कर बांटे उनमें भारी भरखम चाकू कुल्हाड़ी और भाले बर्छे, उत्तर से आए दास सैकड़ों उमड़ते हुए चकित देकर कालकेतु को, जिसने दी सुपारी एक एक को, तो उन्होंने जंगल साफ किया है। दक्कन से आए फसल कटाई वाले एक उद्यमी के साथ 500, पश्चिम से आए जफर मियां साथ में 22,000 लोग, हाथों में सुलेमानी मोती की माला, जपते हुए पीर और पैगंबर का नाम, जंगलों को हटाने के बाद उन्होंने बसाए बाजार, तो जंगल की सफाई की और वहां पर शहर बसाया, सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में विदेशी जंगलों को जैसे खा लिए और घुस आए वहां, कुल्हाड़ियों की आवाज सुनकर शेर डर गए और धाड़ते हुए भाग निकले। ट्रेड बिटवीन हिल ट्राइब्स एंड द प्लेन्स, ये अबुल फजल का ही लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, जो हिल पे पहाड़ियों पे जो ट्राइब्स रहती हैं और जो प्लेन्स में लोग रहते हैं सुबह में अवध में, उनके बीच में क्या ट्रांजेक्शन होता है, उत्तर प्रदेश की बात है ये।
अवध सूबे आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा के मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीले के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने कुछ इस तरह लिखा है। उत्तर के पहाड़ों से इंसानों मोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर ताद लाद कर बेशुमार सामान ले जाए जाते हैं, जैसे कि सोना, तांबा, शीशा, कस्तूरी, सुरागाए, पूछ, शहद, चूक, संतरे के रस और नींबू के रस को साथ उबाल कर बनाया जाने वाला एक अमल है ये चूक का, जिसे बोलते हैं। अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ, मजीठ जिसे लाल रंग बनाया जाता है, ओके, डाइंग के लिए होता हुआ यूज, मजीठ की जड़ें, सुहागा, जदवार, हल्दी जैसी एक जड़ होती है, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, चील, बाज, काले बाज, मर्लिन, बाज पक्षी की ही एक किस्म है ये मर्लिन, और अन्य वस्तुएं। इसके बदले वे सफेद और रंगीन कपड़े, कहरुबा, एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे, कहरुबा, ओके, नमक, हींग, गहने और शीशे व मिट्टी के बर्तन वापस ले आते थे। तो ये एक्सचेंज इन दोनों के बीच में हो रहा है, काफी सारी चीजें हैं, है ना। तो ये यहाँ पर ट्राइबल फॉरेस्ट ट्राइब्स का भी एंड हो गया है। तो ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। इसमें अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। कैसी लगी मेरी वीडियोस वो भी मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, और प्लीज शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने पेज पे, सोशल मीडिया पेज पे मेरी वीडियोस को अगर पसंद आती है तो और लोगों तक भी पहुंचाइए, हेल्प कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ऐसे मजा आइए, ओके। तो आज के लिए इतनी, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।